हेलो दोस्तों, जय हिंद। आरआर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सत्र 2022 से 25 स्नातक द्वितीय खंड प्रैक्टिकल परीक्षा 2024 के सामान्य विषयों की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों, जिसकी तिथि है 27/5/2024 से लेकर 31/5/2024 तक, और आनुषांगिक विषय की जो परीक्षा है वह 1/6/2024 से लेकर 8/6/2024 तक होगी। दोस्तों, जिन महाविद्यालयों में प्रायोगिक विषयों में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम है, वैसे विषयों की प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा हेतु जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें समस्तीपुर जिला में विमेंस कॉलेज समस्तीपुर को और RNAR कॉलेज समस्तीपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत एवं नाट्य विमेंस कॉलेज में होगा और RNAR कॉलेज समस्तीपुर में विज्ञान संकाय के सभी विषय एवं भूगोल का परीक्षा होगा। दोस्तों, जिला बेगूसराय में SKM कॉलेज बेगूसराय और GD कॉलेज बेगूसराय को प्रायोगिक परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जिसमें गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत एवं नाट्य और GD कॉलेज बेगूसराय में विज्ञान संकाय के सभी विषय का परीक्षा होगी। दोस्तों, जिला मधुबनी में JMDPLM कॉलेज को प्रायोगिक परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जिसमें सभी प्रायोगिक और मौखिक विषय की परीक्षा होगी। दरभंगा में MLSM कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें सभी प्रायोगिक मौखिक विषय की परीक्षा होगी। दोस्तों, यह इन सभी सेंटरों पर परीक्षा उन्हीं की होगी जिस कॉलेजों में परीक्षार्थियों की संख्या 20 से कम है। दोस्तों, एक और जानकारी मैं आपको देता हूँ, लोकसभा आम चुनाव के कारण कुछ महाविद्यालयों का परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है, जिसमें RK कॉलेज मधुबनी का जो परीक्षा केंद्र है वह JMDPLM कॉलेज मधुबनी को बनाया गया है और समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर का परीक्षा केंद्र BRB कॉलेज समस्तीपुर बनाया गया है। दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि ससमय जाकर अपना प्रायोगिक परीक्षा दें। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।